Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video we're going to talk about the sublingual gland, which is the second salivary gland of the submandibular region. The first one was the submandibular gland jo hum already dekh chuke hain. Acha, to sublingual gland ki location yahi hai, that is lying in the sublingual fossa of the mandible on in you can say interior or the medial aspect of the mandible jo ki hum dekha tha when we saw the anatomy of the mandible. अच्छा जी, तो इट्स द स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री सलाइवरी ग्लैंड विच इज जस्ट वेइंग 3 to 4 ग्राम एंड इट लाइज अबव द मालोहायोइड मसल. एज यू कैन सी, दिस इज द मालोहायोइड मसल स्टार्टिंग फ्रॉम द मालोहायोइड लाइन ऑन मैंडिबल एंड एक्सटेंडिंग अप टू द हायोइड बोन एंड दिस इट इज लाइंग जस्ट अबव इट. दिस इज द सबलिंगुअल ग्लैंड. ओके, सो देखा जाए तो जितने भी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, चाहे वो सब मैंडिबुलर हो या सबलिंगुअल हो, दे ऑल आर लाइंग अ बिट मीडियल टू द रुदर फॉसा इन द मैंडिबल. लाइक द सबलिंगुअल फॉसा इन द मैंडिबल, दिस ग्लैंड इज जस्ट लाइंग मीडियल टू इट. एंड द सेम वे द सब मैंडिबुलर ग्लैंड वॉज लाइंग अ बिट मीडियल टू द सब मैंडिबुलर फॉसा इन द मैंडिबल. ओके, सो इट्स लाइंग मीडियल टू द सब सबलिंगुअल फॉसा एंड इट्स लाइंग लेटरल टू द जीनियोग्लॉसस मसल, विच इज द मसल ऑफ द रूट ऑफ द टंग. सो हेयर विल बी फाइंड द जीनियोग्लॉसस मसल एंड इट इज लाइंग जस्ट लेटरल टू इट. सो ये उसके कुछ रिलेशंस हो गए. एंड अबव इट विल बी फाइंडिंग द म्यूकस मेम्ब्रेन कवरिंग द रूट ऑफ द टंग या फ्लोर ऑफ माउथ उसे कह सकते हैं. एंड इन फ्यूरली विल बी फाइंडिंग द मायलोहायोइड मसल. ओके, सो इस पर रिलेशंस हम देख लेते हैं. Anteriorly or in the front, it is meeting its opposite side. इसके दो साइड्स होती हैं, as you can see. So they both are meeting in the front. Behind it will be coming in contact with the deeper part of the submandibular gland, as you can see here. Above it will be there will be the mucous membrane of the mouth or the floor of the mouth here. And inferiorly will be having the mylohyoid muscle, जिसको हमने पहले भी देखा. And lateral to it will be finding the sublingual fossa and the mandible, and medial to it will be finding the genioglossus muscle on the root of the tongue. So these are the relations of the sublingual gland. कहते हैं कि 15 ड्रग्स जैसे इमर्ज होती हैं और एंटर होती हैं डेफिनेटली फ्लोर ऑफ द माउथ में, वहीं पर उसने अपने सिक्रीशंस को पोर करना होता है. एंड द ग्लैंड रिसीव्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम द लिंगुअल एंड सब मेंटल आर्टरीज, इन कंट्रास्ट टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो नहीं रिसीव करता है ब्लड सप्लाई फ्रॉम द फेशियल आर्टरी. द नर्व सप्लाई इज क्वाइट द सेम एज दैट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड. ये भी सब मैंडिबुलर गैंगलियन से ही अपने सिक्रीटो मोटर फाइबर्स डिराइव कर रहा होता है. और इसी तरह इसकी भी जो सेंसरी सप्लाई होती है वो हमारी फेशियल नर्व से होती है. और इसकी भी जो यू कैन से सिंपथेटिक सप्लाई होती है वो फेशियल आर्टरी को जो प्लेक्सस कवर कर रहा होता है नर्व्स का, वही इसको सिंपथेटिक सप्लाई भी दे रहा होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द सब लिंगुअल ग्लैंड. ये उसके रिलेशंस थे, ये उसकी ब्लड सप्लाई, उसकी नर्व सप्लाई और ये उसके आसपास के स्ट्रक्चर से. अब बात करते हैं अबाउट द सब मैंडिबुलर गैंगलियन विच इज लाइंग हेयर एज यू कैन सी. एंड इट यू कैन से इट इज हैंगिंग फ्रॉम द लिंगुअल नर्व राइट हेयर. सो इट इज जस्ट लाइंग यू कैन से बीनीथ द बीनीथ नहीं कह सकते, इट्स लाइंग ओवर द हायोग्लॉसस मसल. एज यू कैन सी दिस इज द हायोग्लॉसस मसल्स के ऊपर पड़ा होता है हमारा पैरासिम्पथेटिक गैंगलियन, दैट इज कॉल्ड एज अ सब मैंडिबुलर गैंगलियन हैंगिंग फ्रॉम द सबलिंगुअल नर्व. क्योंकि जब हमने हायोग्लॉसस की एनाटॉमी देखी तो हमने देखा था कि लिंगुअल नर्व उसके ऊपर से गुजर रही थी एंड हाइपोग्लॉसल नर्व उसके नीचे से गुजर रही थी. सो एज यू कैन सी दैट दिस गैंगलियन, दिस पैरासिम्पथेटिक गैंगलियन इज जस्ट लाइंग अबव और यू कैन से लाइंग ओवर द हायोग्लॉसस मसल हैंगिंग फ्रॉम द लिंगुअल नर्व राइट दिस थ्रू द वे ऑफ टू रूट्स, दो रूट्स के जरिए उसे लटका हुआ, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर रूट. Anterior root is motor and posterior root is sensory, तो हम जानते हैं. अच्छा जी, so that was all about its location. ये होगी उसकी location की बातें. फिर ये कहा जाता है कि that structurally this ganglion is related to the lingual nerve because it is hanging from it, but functionally this ganglion is related to the facial nerve through its branch of caudae tympani. हमने पहले देखा था कि facial nerve की branch होती है cervical branch, जिसे हम कहते हैं. In addition to that एक और branch होती है facial nerve की, हम बोलते हैं caudae tympani. So structurally it is related to lingual nerve as you can see, but functionally it will always be related to the caudae tympani branch of the facial nerve. ओके जी, तो ये भी हो गया. फिर हम इसके कनेक्शंस और उसकी कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं. सो ये हमारा छोटा सा सबमैंडिबुलर गैंगलियन पड़ा हुआ है एंड दिस इज़ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड. तो इसका जो इसमें जो मेन सप्लाई देनी होती है वो तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड को ही देनी होती है. जो इसकी सबलिंगुअल ग्लैंड तक सप्लाई जाती है वो फिर हमारे लिंगुअल नर्व के रास्ते से जाती है, एज यू कैन सी. अच्छा, इसको जानने से पहले हमें इसका पाथवे पूरा स्टडी करना पड़ेगा. अगर आपको याद हो तो हमने एक पैरासिम्पथेटिक न्यूक्लियस पढ़ा था फेशियल नर्व का एट द जंक्शन ऑफ बोन्स एंड मेडुला, वो था सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस इफ यू कैन रिकॉल. सो दिस इज द सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस ऑफ द फेशियल नर्व. यहाँ से इस नर्व का स्टार्ट होता है
होता है और ये फाइबर्स रन करते हैं फर्स्ट थ्रू द नर्वस इंटरमीडियस, ये एक इंटरमीडिएट सी नर्व होती है, एंड देन द फेशियल नर्व प्रॉपर स्टार्ट्स, देन इसके रास्ते में एक जेनिक फ्लूइड गैंग्लियन होता है जिसको आप लोग स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ, एंड देन अनदर नर्व इज देयर दैट इज द कोडा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, एंड दिस नर्व कंटिन्यूज टू फॉर्म द लिंगुअल नर्व. सो दिस इज द लिंगुअल नर्व और यही लिंगुअल नर्व बेसिकली स्क्रीटो मोटर फाइबर्स देगी हमारे मैंडिबुलर गैंग्लियन को. इसके बाद अच्छा, ये जो स्क्रीटो मोटर फाइबर्स होंगे ना, ये प्री गैंग्लियन होंगे. वाई? बिकॉज दे आर प्रेजेंट बिफोर द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन, और फिर इसके बाद इसमें रिले करने के बाद जो फाइबर्स अराइज करेंगे दैट विल बी द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सो बहुत से स्क्रीटोमोटर फाइबर्स आते हैं बाय द वे ऑफ दिस कॉडा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व देन थ्रू द लिंगुअल नर्व, जो कि इसमें रिले करता है. अच्छा, एक बात याद रखने कि सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जस्ट स्क्रीटोमोटर फाइबर्स ही रिले करेंगे, जो सेंसरी फाइबर्स हैं या जो सिंपथैटिक फाइबर्स हैं वो उसमें रिले नहीं करते, वो जस्ट इससे पास कर जाते हैं. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो यू कैन सी द सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस विल बी गिविंग द नर्वस इंटरमीडियस एंड देन द फेशियल नर्व देन द कॉडा टेम्पनी ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व देन द लिंगुअल नर्व, और यहाँ से स्क्रीटो मोटर फाइबर्स जो कि पैरासिम्पैथेटिक होंगे. हर ग्लैंड तभी अपनी सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है, स्पेशली द ग्लैंड्स ऑफ द गट, जब वो पैरासिम्पैथेटिकली रेस्ट पर हो. ऐसा क्या ना, जब वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन उसकी हुई होगी, जब बंदा रेस्ट पर होगा तभी वो अपनी यू कैन से डाइजेशन के लिए सेक्रेशंस को प्रोड्यूस करेगा. तो जब भी पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होती है इसके ऊपर से, तब ये एक्टिवेट हो जाता है और ये फाइबर ज्यादा स्क्रीटो मोटर टू द सबमैंडिबुलर ग्लैंड टू मेक इट्स एंड सेक्रेट इट्स सेक्रेशंस. तो तकरीबन 5 से 6 ब्रांचेस होते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो इसको फाइबर्स दे देते हैं. देन वी हैव द सिंपथेटिक फाइबर्स जो आते हैं फ्रॉम द प्लेक्सस अराउंड द फेशियल आर्टरी. उसमें पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, उस जो सिंपथेटिक फाइबर्स होते हैं वो पोस्ट गैंग्लियोनिक होते हैं क्योंकि ये वो फाइबर्स इसमें रिले नहीं कर रहे, उसमें मैंडिबुलर ग्लैंड में रिले नहीं कर रहे, वो ऑलरेडी पीछे से रिले होकर आ रहे हैं इन द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन. जितने भी सिंपथेटिक फाइबर्स होंगे वो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से आएंगे रिले होकर उसमें, वो सारे होंगे पोस्ट गैंग्लियोनिक, और यहाँ आकर बेसिकली वाजोमोटर फाइबर्स देंगे इन रिस्पॉन्स टू सिंपथेटिक, ताकि एक्टिवेशन हो सके सबमैंडिबुलर ग्लैंड की या इनएक्टिवेशन हो सके डिपेंडिंग अपॉन द नीड. देन हम कहते हैं कि कुछ सेंसरी फाइबर्स भी इसको नर्वेट कर रहे होते हैं. डेफिनेटली इसमें भी कोई पेन सेंसेशंस तो होंगे ना, उन पेन सेंसेशन को कैरी करना है थ्रू सेंसरी फाइबर्स, वो आते हैं थ्रू द लिंगुअल नर्व इटसेल्फ. फिर बात की जाती है कि ओके, सबमैंडिबुलर गैंग्लियन डायरेक्टली स्पाय दे रहा है सबमैंडिबुलर ग्लैंड को, लेकिन सबलिंगुअल ग्लैंड और एंटीरियर जो ग्लैंड है दूसरे उनको स्पाय कैसे देगा ये. सो बेसिकली सबमैंडिबुलर ग्लैंड से ना कुछ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो कि वापस से चले जाते हैं टू द लिंगुअल नर्व और वहाँ से फिर स्पाय देते हैं टू द सबलिंगुअल ग्लैंड. सो इस तरह की इसकी मतलब डायरेक्टली सप्लाई जा रही हो तो इसमें सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ही जा रही है सिर्फ, लेकिन जो अदर ग्लैंड्स हैं दैट इज अ लिंगुअल ग्लैंड या अदर जो एंटीरियर लिंगुअल ग्लैंड्स हैं या सब लिंगुअल ग्लैंड्स हैं उन तक जो सप्लाई जानी है वो जानी है बाय द वे ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स थ्रू द पाथवे ऑफ लिंगुअल नर्व अप टिल हेयर. सो दैट वॉज ऑल अबाउट द सब मैंडिबुलर गैंग्लियन एंड इट्स कनेक्शंस एंड ब्रांचेज एंड आफ्टर ऑल कि ये कितना इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इट्स एन इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और एक पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लियन है, बस ये जाना जरूरी है. सो दैट वॉज ऑल वी नीडेड टू नो बाय नाउ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग.